हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं गरम मसाला। इसके लिए पहले पूरे स्पाइसेस इकट्ठा कर लेंगे, जैसे दालचीनी, इलायची, लौंग यानी क्लोव्स जो दांतों के लिए अच्छा होता है। इंग्रेडिएंट्स के सारे मेजर्स कैप्शन में दिए गए हैं। अब हम लेंगे काला नींबू जो मिडल ईस्टर्न के मसाले में यूज़ किया जाता है, विच इज़ इजीली अवेलेबल इन एनी ग्रोसरी स्टोर्स। अगला इंग्रेडिएंट है हमारा ब्लैक पेपर या काली मिर्च। इसके बाद हम लेंगे सूखे गुलाब की पंखुड़ियाँ या ड्राइड रोज पेटल। इससे बहुत बढ़िया खुशबू आती है गरम मसाले में। अब लेंगे हाफ जायफल या नटमेग। एक जायफल को आधा क्रैक करके यूज़ करेंगे। अब ऐड करेंगे शाहजीरा। ये शाहजीरा है, नॉर्मल जीरा नहीं। अब जाएगा जावित्री या मेस। नेक्स्ट इज 3 बड़े इलायची। इसके बाद यूज़ करेंगे 5 से 6 चक्रफूल या स्टार एनिस। अब डालेंगे पिपली जो कि खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है। अब डालेंगे एक पत्थर का फूल या दागड़ फूल। नाउ इट्स टाइम टू रोस्ट ऑल द स्पाइसेस। एक पैन लीजिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर रोस्ट कीजिए फॉर 5 to 6 मिनट्स, जब तक कि स्पाइसेस से हल्की सी खुशबू आना जाए। हाई फ्लेम पे ना रोस्ट करें क्योंकि स्पाइसेस बहुत जल्दी जल जाएंगे। जब स्पाइसेस ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें एक मिक्सी में डालकर फाइन पाउडर कर लीजिए। गरम मसाले का पाउडर रेडी है। आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और किसी भी खाने में डालकर यूज़ कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।